Yeah.
तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय पाच्छाकल्पदरुभयस्य कृपा सिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदावन तुलसीदत्तय प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सारे गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम पाद पद्म लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलाभ नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल्ला हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री अद्वैत प्रभु जी की कथा है, इसलिए आज हम लोग सुनेंगे श्री नवद्वीप धाम धाम की क्या महिमा। कहते एक ग्रंथ है जिसका नाम अनंत संहिता, वो अनंत संहिता ग्रंथ में माता पार्वती श्री शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अक्सर करके जितना जितने पुराण हैं वो सब शंकर और पार्वती का संवाद है। भैया पार्वती प्रश्न करती हैं और शंकर जी उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि शंकर जी कौन है, कल जो अद्वैत आचार्य जन्म हुए थे ना, ये सदाशिव है, इसलिए सदाशिव है, इसलिए कभी ये परम वैष्णव है। और देवी कौन है, बल्कि ये परम वैष्णव तो नहीं, पति पत्नी ही वैष्णव वैष्णव, उनका कोई काम धाम नहीं है, और दिन रात कथा सुनना और सुनाना यही इनकी काम है, और कोई काम नहीं, और दिन भर तो नहीं भक्ति करते, तो ना भक्ति करते, भक्ति के बगैर उसका और कुछ काम इनके लिए है, इसी रहस्य में ही डूबे रहते हैं। इसलिए शंकर जी को माता पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु कितना हरि अनंत हरि कथा अनंत है, भगवान अनंत उनकी कथा भी अनंत है, भगवान के अनंत नाम है, हैं अनंत नाम है कृष्णा गोविंद दामोदर ऋषिकेश। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर भजन लिखे, बोले हरि नाम तो अनेक स्वरूप जयस्वदनंदन आनंद हरि नाम तो
गोविंद दामोदर ऋषिकेश है जसोदानंदन आनंद वर्धन प्रेम तन्य कितने ठाकुर जी के नाम है ठाकुर जी के। इसलिए मैया पार्वती बोली प्रभु ये सब नाम था हम सुने आपने। लेकिन मैं देखता हूँ कभी कभी आप श्री गौरहरी गौरांग निमाई सचिनंदन कभी कभी ये नाम भी कभी कभी लेते हुए देखा है। प्रभु ये गौरांग कौन है, ये गौरहरी कौन है, ये चैतन्य कौन है, कभी कभी ये नाम भी आप कभी कभी लेते हो, आप कृपा में थोड़ा बताओगे। कभी कभी ये नाम को क्यों उर्ध्व होंगे मतलब मुंह ऊपर करके कभी कभी आप ये नाम को कान करते हो। जब माता पार्वती प्रश्न किया ना शंकर जी तो सुन करके उनका हृदय प्रेम में लगता हो गया, बोले पार्वती इसलिए तुमने इतने सुंदर प्रश्न किया है। कहते ये पार्वती कौन है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले ओमार मा सत्या सची चंद्रारुक्मिणी राधा अवतार सवे आप नाय भाई। कहते राधा रानी अनंत रूप में उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी ये कौन है, ये राधा रानी ये अनंत रूप में कृष्ण सेवा के लिए अनंत रूप में राधा रानी प्रकट हुई। इसलिए श्री शंकर जी बोले पार्वती इसलिए तुमने इतने प्यारी इतने मीठी और इतने सुंदर प्रश्न किया चुके तू राधा से अभिन्न है, राधा रानी से तू अभिन्न हो इसलिए तुमने इतने सुंदर तुमने प्रश्न किया और ये प्रश्न करके ना बड़ा हृदय का प्रश्न गदगद तुमने कर दिया है। श्री शंकर जी श्री महाप्रभु कौन है, कृष्ण कौन है, गौरांग कौन है, फिर उनका नाम को बताया बोले उनका एक नाम है चैतन्य। क्या नाम है, चैतन्य। ये नाम किसने दिया आपको पता है, ये नाम कब हुआ पता है, कब हुआ जब उन्होंने गुरुजी से सन्यास ग्रहण किया है इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा, चैतन्य मतलब होता है चेतनता प्रदान करना, श्री कृष्ण चैतन्य मतलब दुनिया को जिसने कृष्ण रूपी चेतनता को दुनिया को जिसने प्रदान किया है मतलब सारा दुनिया में जिसने कृष्ण भक्ति रस को जिसने प्रचार किया इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य नाम इनका नाम पड़ा बोले चैतन्य मतलब है ये विश्व सृष्टि से पहले वो केवल एक चेतनता रूप में जगत में थे, जगत में और कुछ था नहीं, जगत में और कुछ था नहीं इसलिए जिसको वेद कहता है एक मेव अद्वितीय वो एक ही है, एक अपी बहुस्या वो एक ही थे। जब उनकी इच्छा भी लीला करने के लिए और एक को द्वारा तो लीला हो ही नहीं सकती है तो उन्हें बहु होने की इच्छा थी। इसे जब गोलोक वृंदावन में जब ये कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे इसलिए श्री उपनिषद कहता है, हैं उपनिषद कहता है जब अकेले थे इच्छा हो रही थी लीला करेंगे भैया अकेले तो लीला नहीं कर सकते हैं इसलिए बोले तब उनकी वाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई और डाण अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। इसलिए पहले एक चेतनता रूपक एक थे इसलिए जिसको हमारे श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं ये महाप्रभु कौन है बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृत शक्ति रस्मात देखात्मना भूमि पुरा देहाख्य प्रकट मधुना तद्वयम् चैकमात्तम राधा भाव दुति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति कहते भैया राधा रानी है क्या जी, अगर बोले भैया राधा जी कौन है कोई अगर पूछेगा आप क्या बोलोगे तो राधा और कोई नहीं राधा कृष्ण प्रणय विकृति। अगर कृष्ण प्रेम को कहीं अगर के रूप दिया जाए ना यही राधा, इसलिए राधा जी की दो स्वरूप है, कितना स्वरूप है दो। क्या क्या है कहते एक रूप है उनका, एक है अमूर्त स्वरूप और एक मूर्त स्वरूप, एक अमूर्त और एक श्री मूर्त। जितना कथा सुन रहे ना नवद्वीप में जब बोलेंगे महाप्रभु बारे में सुनाने के लिए सब सुनाना वहां पर ऐसे नहीं इधर सुन कर निकाल कॉपी लेकर नोट कर लीजिए सर कथा
ये एक अच्छे श्रोता के लक्षण है, तभी वही व्यक्ति भविष्य में अच्छा श्रोता नहीं तो कभी बन ही नहीं सकते जिंदगी में। फिर उल्टा पुलटा इधर बोलते रहे बाबा जी, जब फिर पंडित जी को देखो नोट कर रहे हैं, तभी ये अच्छे वक्ता, ये जैसे अच्छे जो स्टूडेंट होता है ना वो गाइड करके सारी चीज को नोट करता है। क्यों नोट, जैसे कहीं कथा सुनाना हो, हम देखा मुझे बड़े गुरु जी जो भक्त नारायण गोस्वामी महाराज है, वही नोट करते थे कथा, जो बोलने जाते थे पहले कथा को पूरी नोट करते थे, क्या हम आज कथा हम सुनाएंगे, नहीं तो इधर से खपचा खपचा करते तो कोई सही रूप में कथा नहीं सुना सकते। इसलिए ये एक अच्छा श्रोता की ये लक्षण है। देखो माता जी कर रहे हैं, माता जी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बताए राधा रानी की दो स्वरूप है, एक मूर्ता और एक अमूर्त है। कहते मूर्त स्वरूप में क्या, देखो राधा जी की ना छोटी जो राधा रानी खड़ी हुई, कहती है मूर्ति स्वरूप में श्री राधा रानी, कहते इसलिए बोले महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी। राधा रानी कौन है, सख्यात महाभाव की स्वरूप। गुरुदेव बोलते थे भक्ति कहाँ से शुरू होती है, बोले श्रद्धा से, भक्ति श्रद्धा से शुरू होती, श्रद्धा है तभी हम आकर के यहाँ पर बैठे हुए, अगर श्रद्धा नहीं होते क्या कथा सुनते बैठे गए, कथा सुनते नहीं। भक्ति का पहला अंग श्रद्धा है, ये श्रद्धा, उसके बाद में फिर भजन क्रिया, जब फिर पता चलेगा भैया ये जीवन किया है, क्यों भगवान ये जीवन हमें दिया है, क्या करनी चाहिए है? फिर जब पता चलता है ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, भगवान बारंबार नहीं देते हैं, लदेत ईस बिनु हेतु सनहि, भगवान तो किसी तरह से तैयार करके ये मानव शरीर कैसे दे दिया है, हम पाने का लायक नहीं है, फिर हमें प्रभु की भक्ति करना चाहिए, पता चलता है। फिर जो भजन करते हैं, फिर भजन क्रिया, उसके बाद में भजन करोगे हृदय का जितने अनर्थ है अपराध है सब कुछ कर दीजिए हृदय से निकलेगी, उसके बाद में भक्ति में रुचि आएगी, फिर पक्का निष्ठा बनेगा, उसके बाद में फिर हमारी हृदय में प्रभु का प्रतिभाव उत्पन्न होगा और प्रेम में कृष्ण दर्शन। लेकिन उसको ऊपर जो प्रेम पड़ती है ना, फिर स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय है, राग अनुराग और भाव और महाभाव, कहते यही भक्ति बढ़ते 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 जैसे दूध को गर्म करते 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 क्या बन जाती है, राबड़ी बन जाती है, राबड़ी मलाई बन जाती है, उसी तरह प्रेम को घनीभूत करते 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 वो जो राबड़ी रूप धारण करती है ना वो राधा है। जब प्रेम एकदम घनीभूत अवस्था धारण करती है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। इसलिए बोले राधा रानी का दो स्वरूप है, एक मूर्त है और एक अमूर्त है। मूर्त रूप में जो राधा रानी खड़ी कृष्ण को वाम पास में, अमूर्त रूप में कहते महाभाव प्रेम की चरम अवस्था के नाम ही श्रीमती राधा रानी। इसलिए बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा रानी कौन है, कृष्ण प्रेम का अगर एक रूप दिया जाए तो श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देकात्मना भूमि पुरो देह भेदो गतो। इसलिए तत्व तो राधा कृष्ण दो नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन जब उनकी मन में इच्छा करती है हम प्रेम रस को आस्वादन करें, लीला रस को आस्वादन करें, वो एक ही वो दो रूप में धारण करती है। इसलिए कहते वो अनादि काल से एक है, लेकिन जब वो एक है ना श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन जब वो दो हो जाते हैं ना राधा और कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, राधा और कृष्ण रूप में ये प्रकट होते हैं। इसलिए उदाहरण दिया जैसे देखना कोई दिया जलती है ना, तेल एक जगह होता है, दो तरफ में दो दिया जलती है लेकिन तेल एक ही है, उसी तरह का तत्व तो ये दो नहीं एक है, दिया एक है लेकिन दो तरफ में दो बत्ती, दो तरफ में दो दिया जल रहे बत्ती जल रही। दूसरा उदाहरण दिया जैसे कमल फूल है, एक ही जड़ है, एक ही जड़ से जैसे दो फूल जैसे निकली, जड़ एक ही है लेकिन उसमें दो फूल है, कौन कौन वो दो फूल है, एक राधा और एक कृष्ण है। इसलिए कहते हैं तत्व तो एक ही है लेकिन एक होते हुए दो है
और दो कर्तव्य भी वो एक ही है। ये कौन कह रहे हैं? शंकर जी ये बात पार्वती को ये बात बता रहे हैं। इसलिए एकात्मना भूमि पुरौ देहावदौ गतौ तौ चैतन्यनाथ प्रकट मधुना तद्वयम् चैकमाप्तम् राधा भाव उत्सिमलतम नवमी कृष्ण स्वरूपम। फिर वो फिर ये दो क्यों दो होकर फिर एक क्यों एक से होकर दो क्यों हुए? कारण क्या है? बोले कारण है बोले जिस समय भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए और उन्होंने सारे लीलाओं को उन्होंने किया है, सारे रस का आस्वादन किया है। भगवान बद्रदेव भी उन्होंने सख्य रस का आस्वादन किया। भगवान अपने आप को भूल गए और सखा का सखा बन गए। श्री राम को साथ में कभी कुश्ती लड़े ना, भगवान को श्री राम पछाड़ देता है। बोले कन्हैया तो हार गया तो घोड़ा बन, तेरे घोड़ा बनना पड़ेगा। कृष्ण अगर मना कर तो बोले मैं तो घोड़ा बनू? बोले घोड़ा नहीं बनोगे, हमारी बारी आई तो हमको तो घोड़ा बना दिया, अब तेरी बारी आएगी तो घोड़ा बनोगे। अगर घोड़ा नहीं बनोगे ना तेरे को अकेले कर देंगे। ए सखा इसको साथ में कोई खेलना नहीं, हम चल एक तरफ हो जाते। कन्हैया कहते नहीं भैया मेरे को अकेला मत किया, भगवान अगर गिड़गिड़ा मेरे को अकेला मत किया करो, मेरे को अपने साथ में घोड़ा बन जाऊंगा, बैठ मेरे पीठ पर बैठ जाए। बोले चल चल माठ वन से उनको भाटी बनते हो घोड़ा बना कर ले जाते और कृष्ण कंधे पर सखा ले चलते। जैसे कोई पेड़ के ऊपर फल है नीचे तीन चार सखा उसके ऊपर दो तीन उसके ऊपर एक खड़े होकर फल उतारते पहले सखा तो खा लेता, दूसरे सखा को भी खा लेता, तीसरा और नीचे आता है ना गुटी रह जाता है। कृष्ण सो खा के बोले फल थोड़ा मीठो फल है अकेले खा लिए। मतलब भगवान होते हुए भी वो भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, क्या सोचते हैं मैं सखाओं का नहीं सखा हूँ। भगवान होते हुए भी मैया यशोदा कृष्ण को उखल में बांध देती हैं, कान बोल देती हैं, डांटती है, दपटती है, बोले तू अपवित्र गंधा बच्चा तू है, तेरे को मैं गोद में नहीं लूंगा। नारद कहते हैं भगवान बोले जिनकी यद्यपि समाधि सुविधिर भी पश्यति न तव नखाग्र मैची। ब्रह्मा भी जिनको आराधना करते करते चरण की नख की छटा तक तो भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज कृष्ण मचल रहे हैं मैया की गोद में जाने के लिए, मैया को गोद में नहीं गए। और गोपियों के तो चरण में गिरते गिरते कृष्ण थक जाते हैं, कहते राधारानी मान कर लेना, कहते भैया गिरिराज उठाने में मेरे को जितना ताकत नहीं लगा, अकाश रूप मारने के लिए जितना ताकत नहीं लगा, अगर राधा रानी रूठ जाए ना उसको मनाने के लिए उससे ज्यादा ताकत मेरे को लग जाए, उससे ज्यादा ताकत मेरे को लग जाती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण जब गोलोक वृंदावन चले जाते हैं निकुंज में बैठ बैठ करके सोचते हैं, क्या सोचते हैं निकुंज में बैठ बैठ करके? बोले मैंने सब कुछ चीज को मैंने आस्वादन की, लेकिन एक चीज को मैंने आस्वादन नहीं कर पाया, राधा रानी की प्रेम की। क्या राधा रानी मेरे प्रेम कैसे आस्वादन करती है? मेरे को जितने आनंद उससे करोड़ों गुण राधा रानी को आनंद होता है, करोड़ों गुण ज्यादा आनंद होता है। और मेरे अंदर में क्या रस है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है? इसलिए वह चीज को आस्वादन करने के लिए कलयुग में कृष्ण ने देखा भैया मेरे को कृष्ण है ही चोर, कृष्ण चोर नहीं चल चोर का सरदार है, कृष्ण चोरों का सरदार है। इसलिए बल्लभाचार्य कहते हैं चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, सबसे जो चोर में अग्रगण्य कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? दीन को भी वही चुराते हैं, पाप को भी वही चुराते हैं, दुख कष्ट को भी वही चुराते हैं, हृदय को भी वही चुराते हैं, मक्खन भी चुराते हैं। इसलिए पाप ताप दुख कष्ट को सब चुराने वाले कौन है? कृष्ण। इसलिए वो चोर नहीं कहते चौराग्रगण्यम। इसलिए बल्लभाचार्य जगत सबसे बड़े चोर कौन है? इसलिए हमारे श्री कृष्ण, इनसे चोर कोई जगत में बड़े। देखो आपका दिल को चुराएगा तभी तो घर वाले छोड़ कर क्या भाग भाग जाएंगे, तभी तो भाग भाग रहेगा, नहीं तो भाग कर पड़ जाते। इस समय अपना बेटा बेटी नाती पोती को लेकर आनंद लेने वाले, लेकिन सबको ऐसे दिल चुराया, सब घर वाले छोड़ कर बस गौड़ी मठ में चलो भाग चलो। इसलिए कहते हो सबसे बड़े चोर कृष्ण है। इसलिए उन्होंने देखा भैया हमें अभी दो चीज चोरी करनी पड़ेगी। बोले क्या है? बोले एक तो राधा जी के भाव को, क्योंकि जो
जो आस्वादन करती राधा रानी पूर्ण रूप में आस्वादन करती है, ये चीज वो राधा जी ही पूर्ण रूप में मेरे प्रेम को वही आस्वादन करती, वही मेरे बालिंगन करती है। लेकिन वो सारे रस मेरे अंदर में, सारे रस मेरे अंदर में, जैसे रसगुल्ला है, अभी यह रसगुल्ला भी किया आनंद, रसगुल्ला को बड़ी पता, जो खा रहे हैं उनको पता है, जो खाता है उनको पता, रसगुल्ला को पता नहीं इसमें क्या स्वाद है, जो खाएगा उसको ही पता है। इसलिए उन्होंने राधा जी की भाव और अंग कांति मतलब उनका जो रंग है, इसलिए कृष्ण चाहते हैं मैं यही से जाऊं, मैं भूल जाऊं मैं कृष्ण, मैं भूल जाऊं मैं कृष्ण, मेरे को ये याद रहे मैं राधा, मैं राधा, राधा रानी जैसे मेरे प्रेम में पछाड़ खा कर गिरती है, हाँ गोविंद बोल करके, हाँ कृष्ण बोल करके रोती है, ऐसे मैं दिन रात उनको प्रेम में रोते रहूं। इसलिए महाप्रभु देखो कितने छवि तो हाथ उठा कर, महाप्रभु हाथ उठा करके, हा कृष्ण है, कृष्ण केशव पाहिमा, राम राघव रक्षमा, दिन रात कृष्ण कृष्ण नाम लेकर के दिन रात रोते रहते। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती वो और कोई नहीं, वो कृष्ण ही। कलयुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर इसी कलयुग में आए हैं, इसलिए एक चैतन्य रूप में वो थे, इसलिए उनका नाम चैतन्य, और उनका नाम गौरहरि भी एक नाम है। बोले गौरहरि नाम क्यों पड़ा, गौर मतलब राधा रानी, गौरी, हरि मतलब कृष्ण, बोले चैतन्य महाप्रभु कौन है, बोले अंत कृष्ण बहिर गौर दर्शिता आदि वैभव, वो अंदर में तो कृष्ण लेकिन ऊपर में गौरव, अंदर में कृष्ण और ऊपर में राधा रानी, कृष्ण को जैसे जैसे आलिंगन करके रखी, अंदर में तो कृष्ण कर दिया और ऊपर में राधा रानी आ गई, इसलिए उनका नाम गौर हरि। बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की जय, बोले श्री मन चैतन्य महाप्रभु की जय, दाई गौर प्रेमानंद, इसलिए इनका नाम गौर हरि नाम पड़ गया। इसलिए शंकर की पार्वत के लिए बात सुना है, इतने में तब शंकर जी पार्वती बोले एक समय श्री अनंतदेव महाविष्णु के पास में जाते हैं, महाविष्णु के पास में जाकर के कहते हे महाविष्णु आपका आशीर्वाद से मैंने सारे धाम को दर्शन किया, ठाकुर को जितनी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारपति हैं जितने धाम हैं केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, मैंने आपका आशीर्वाद से मैंने सारे धाम को दर्शन किया, लेकिन अभी तक एक धाम मेरे दर्शन नहीं हो पाया। बोले भैया कौन सा धाम है, बोले श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम अभी तक मेरे दर्शन नहीं हो पाए, आप मेरे को आशीर्वाद कृपा करो जैसे कि वृंदावन धाम दर्शन हो जाए। देखो महाविष्णु क्या कहते हैं, वो कहते हैं जैसे एक व्यक्ति सोचे कुत्ते का पूछ पकड़ करके समुद्र पार हो जाए, भैया कुत्ते का पूछ पकड़ करके समुद्र पार थोड़ी हो सकते हो, इतने विशाल समुद्र कुत्ता खुद ही डूब जाएगा, कुत्ता खुद ही डूब जाएगा, तुम्हें भी डुबा देगा। कहते इसलिए तुम तो ये बात कह रहे हो भैया जो वृंदावन धाम है ना ये साधारण भूमि नहीं, कहते मैं भी स्वयं महाविष्णु कहते मैं स्वयं वृंदावन धाम में अभी तक भी प्रवेश नहीं कर पाया, मेरे भी दर्शन नहीं हो पाए, जो कारण दशाए विष्णु गर्भ दशाए विष्णु खिराब दिशाए विष्णु ये विष्णु तक भी अभी तक ये वृंदावन धाम को दर्शन नहीं कर पाए हैं, अभी तक भी माँ लक्ष्मी, आप देखो लक्ष्मी को हर समय माँ लक्ष्मी ऐसे बैठती सबको आशीर्वाद देती, लेकिन आप बेलगढ़ में जाकर के देखो लक्ष्मी ऐसे नहीं, कैसे बैठती हाथ जोड़ कर तपस्या कर रही है, बोले क्यों, बोले वृंदावन धाम में मेरी प्रवेश हो जाए, भगवान की दिव्य रासों में मेरी प्रवेश हो। उद्धव जैसे व्यक्ति क्या प्रार्थना करते हैं, कहते आशा महो चरण रेणु जुसा महान वृंदावन की मी गुलतो सतना, कहते ऐसे क्या मेरी भाग्य होएगा कभी ब्रज वृंदावन में वहां की घास भूसा ऊपर के जन्म ले गए। बोले घास भूसा रूप में क्यों प्रार्थना करता है, बोले गोपियां तो कृष्ण साथ में जब जाएंगे मिलने के लिए चल कर तो जाना पड़ेगा, उड़ कर तो जाएंगे नहीं,
वो चल करके जाएंगे, अगर हम घास बने रहेंगे तो उनकी चरण धूल मिलेगी। किसकी? गोपियों की। बोले हमें लता रूप में, बोले लता क्यों चाहते हैं? बोले प्रमोद मदन लीला कंदर कंदर दे, जब निकुंज में वो लीला करेंगे, अगर लता बन करके रहेंगे लीला दर्शन हो जाएगी। बोले औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते, बोले क्यों? बोले कभी बीमारी पड़ेंगे तो दवा तो लेंगे, अगर वहां जड़ी बूटी बन करके जन्म लूंगा ना उनके तेल में चले जाऊंगा। उद्धव जैसे व्यक्ति इतने बड़े कृष्ण के भक्त है, कहते उद्धव तेरे जैसे मेरा भक्त कोई है ही नहीं, मेरे पुत्र भी नहीं, शंकर भी नहीं, लक्ष्मी भी नहीं, बलदेव प्रभु भी नहीं, मैं भी इतना प्रिय नहीं, तू मेरे जितने प्रिय। वो क्या चाहते है? वहां के चरण की धूल को चाहते हैं ब्रज में, इसलिए घास बन करके जन्म हो गए। अब ब्रह्मा जी ये तो जब पता चला कि कृष्ण भगवान, उन्होंने क्या प्रार्थना की? बोलो किस चीज की ब्रह्मा जी प्रार्थना की थी? आप लोग तो बहुत कथा सुनते हैं, भगवान ब्रज में ब्रह्मा जी किस रूप में जन्म लेना चाहते हैं? कौन बोल रहा था? जो बड़े बड़े पंडित जी बैठे हो सब कथा को ट्रांसलेशन कथा को नोट करते हो, लेकिन कौन बोले हाथ उठा? इतने कथा लिखी जब जो कोई प्रश्न कर सब लिखती है, जब प्रश्न कर तब प्रश्न में तो बोलो शिला के रूप में। इसलिए ब्रह्मा जी जब उनको पता चला कृष्ण परम ब्रह्म है, मेरे बाप का बाप कभी बाप कृष्ण है, जब उन्होंने ये चीज को देखे, इतने में भगवान कहते क्यों ब्रह्मा तुम बोलते हो ब्रज में जन्म मिले वास मिले, क्या मेरे सखा सखी रूप में जन्म लेना चाहते? ना ना ना, हमने इतने कहा सौभाग्य कि आपकी सखा सखी बन जाए, बोले नहीं तो वहां कोई पशु पक्षी रूप में जन्म लेना चाहते? ना ना, मैं वहां पशु पक्षी बन नहीं सकता हूँ, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वहां की जो पशु पक्षी है गुल्म लता जो कीड़े मकोड़े है ना वो कोई साधारण नहीं, वो सब के सब कृष्ण लीला के लिए मदद के लिए वो जन्म कीड़े मकड़े रूप में जन्म हुआ, पशु पक्षी कोई साधारण नहीं, घास भूसा होकर के बोले ना 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 ना, हम घास भूसा भी नहीं हो सकते। बोले फिर बोले वहां पर जो ब्रज का बाहर में जो छोटे जाति के जो लोग वहां रहते हैं, अगर उनको घर को सामने पत्थर रूप में हमारी जन्म हो जाए, छोटे जाति लोगों को घर आगे, क्योंकि जब घर में प्रवेश करेंगे उसको ऊपर प्यार रखेंगे, प्यार खोएंगे और उसमें जो धूल प्यार में लगा हुआ उसका रगड़ेंगे, अगर उनकी अगर चरण धूल मिल जाए ना, मैं अपना जीवन को धन्य धन्य में मानूंगा। बोले ब्रह्मा जी आप इतने बड़े हो, दुनिया को सृष्टि करने वाले, और इतने छोटे जाति रूप में जन्म लेने का क्यों प्रार्थना करते हो? ये पत्थर रूप में क्यों जन्म लेना चाहते हो? छोटे जातियों की चरण धूल क्यों प्रार्थना करते हो? तो ब्रह्मा जी कहते जब मुकुंदम, कहते भैया वो भी साधारण नहीं है, मुकुंद मतलब जिनकी हंसी कुंद फूल जैसे हंसी, मतलब कृष्ण का जो हंसी है ना बड़ी मीठी हंसी, इसलिए कुंद फूल जैसी जिनकी हंसी है, वो हंसी ही जिनकी जीवन है, हंसी ही जिनकी प्राण है। भैया मैंने उनसे ज्यादा सौभाग्य थोड़ी प्राप्त किया है, उनसे ज्यादा बड़े नहीं बन सकता हूँ, वो उनके बड़े भाग्य से कहीं जन्म होते, इसलिए ब्रह्मा जैसे व्यक्ति वहां पत्थर बनना चाहते। और भोले बाबा जो सत्यम शिवम सुंदरम सुंदर, वो गोपी बन करके आए, ने गोपी रूप धारण किया, स्नान किया, लेकिन तब भी शंकर जी के भी प्रवेश नहीं हुए, इसलिए अभी शंकर जी गोपीश्वर महादेव रूप में वहां पूजा पा रहे हैं, वहां चौकीदारी का काम शंकर स्वयं कर रहे हैं, चौकीदारी का काम। इतने ये ब्रज भूमि की महिमा, ये श्री अनंत देव वो कह रहे हैं, श्री महाविष्णु श्री अनंत देव को कहते हैं, बोले अनंत देव ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है, ये राधा जी हृदय है, राधा रानी अपना हृदय को ही वृंदावन धाम रूप में उन्होंने बिछा करके रखे। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। बोले श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसलिए
नदिया ब्रज का जो तालाब है ना, वो तालाब तालाब नहीं, जैसे आप लोग गए प्रेम सरोवर में गए ना, ये प्रेम सरोवर क्या है, राधा कृष्ण स्वयं प्रेम में जब द्रवीभूत हो गए तब ये सरोवर बना। मान सरोवर कौन कौन गए, मान सरोवर हाथ उठा तो, मान सरोवर कौन कौन देखे, बोलो मान सरोवर कौन देखे नहीं, हे भगवान फिर क्या क्या जीवन राधारानी रास करते करते जब राधारानी मान करके चली गई, इतने रोई राधारानी, इतने रोई राधा जी के आंखों का आंसू से पूरा पानी भर गया, आखिर आंखों का आंसू से वो पानी भर गया, वो कौन है, श्री मान सरोवर है। राधा कुंड से आपको तो किसने देखा है, इसलिए कहते राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, ये राधा और कृष्ण बोले जा कहते हैं जथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेश सर्वैजा विष्णुर रत्तंत वल्लभा। ये कुंड नहीं, राधा कुंड स्वयं राधा रानी ये कुंड बने, कृष्ण कुंड कौन, कृष्ण स्वयं ये कुंड बने, राधा कुंड श्याम कुंड। पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, सारे तीर्थ श्री राधा कुंड और श्याम कुंड में, सारे तीर्थ उसी में, उसी में जो स्नान कर ले सारे तीर्थ में नहाने का फल मिलता है, और एक बार जो स्नान करे उसको राधा रानी के प्रेम की प्राप्ति होती है, राधा रानी प्रेम की उसको प्राप्ति होती है, और 108 बार वो पानी में खड़े होकर के जो राधा कृपा कटाक्ष उसको 108 बार बोले, राधा रानी स्वयं प्रकट होकर उसको दर्शन देती है, राधा जी के दर्शन उसको प्राप्त होते हैं। इतने महिमा श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड की। अब मान श्री मानसी गंगा देखे हो, कौन कौन, हाँ। मानसी गंगा क्या है, कृष्ण जब ब्रजवासियों की मन में इच्छा हुई हम सब के सब गंगा नहाने के लिए जाएंगे, कृष्ण ने कहा भैया गंगा तो यहीं पर है, वो तो मेरे चरणा मिलते हैं, मैं उसको स्मरण करने पर गंगा यहीं पर आ जाएगी, इसलिए उन्होंने स्मरण किया तो गंगा देव स्वयं वहीं पर प्रकट हुई। ये कौन है, श्री मानसी ये गंगा है, इसलिए कहते ब्रज का जितने सरोवर है कोई सरोवर नहीं, ये साक्षात भगवान का प्रेम ही ये सरोवर रूप में ब्रज में प्रकट हुए। यमुना नदी नहाए हो कौन कौन, सबके सब, तो ये यमुना कौन है, बोले चिदानंद भानु सदानंद सुनो परम प्रेम गात्री अघानाम लवेत्री। ये यमुना कोई नदी नहीं, ये विशाखा स्वयं, ये अधूरा था जो विशाखा, ये सब श्री यमुना महारानी कृष्ण की ये सखी है, विशाखा सखी है, और जब यही मथुरा में जाती है कालिंदी, कालिंदी कृष्ण की पटरानी बन जाती है, और वृंदावन में कृष्ण की ये सखी बन करके ये प्रकट हुई है। यदि यमुना कैसे प्रकट हुई, एक समय कृष्ण अपना राग को सुने, जब उन्होंने अपना राग को सुने, राग सुन करके कृष्ण का शरीर से पसीना निकला, मैया जसोदा मोटी मोटी काजल लगा दी थी, और जो पसीना निकली वो काजल पसीना को स्पर्श किया, स्पर्श करके जब उनका बक्ष स्थल को भिगाते हुए और चरण को ऊपर में बहते हुए जब निकली, कहती ये कौन है, बोले यमुना बलरानी, यमुना महारानी, इसलिए ये यमुना नहीं, राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के वो पानी रूप में बहती है वो कौन है, तो यमुना महारानी। बोले भैया यहाँ की नदी कोई साधारण नहीं, कहती यहाँ का पर्वत ब्रज में वो पर्वत नहीं, स्वयं नंदगांव कौन है, स्वयं श्री नंदीश्वर महादेव शंकर, कहते श्री बरसाना कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी, बोले गिरिराज कौन है, साक्षात कृष्ण है, कहते भैया यहाँ पर्वत भी साधारण पर्वत नहीं, वहां पर एक सखी गिर पर्वत भी कौन है, ये अष्ट सखी ललिता विशाखा चंपक लता तुंगभद्रा चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी, ये सब के सब ये पर्वत रूप में ब्रज में, ये पर्वत रूप में जन्म हुए, वहां के वृक्ष भी कहते ना वृंदावन के वृक्ष को राधे राधे होए। देखो जितने तुम लोग सब नोट कर रहे हो ना, खाते खाते देखो ये बात तभी याद रहेगी
जो किसको सुनाओ। अगर तुम नोट 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 करते जाओगे, अगर आप नहीं सुनाओगे याद नहीं, इसलिए कोशिश करो जो कथा सुनते हो पास में दूसरों को भी सुना। अड़ोस पड़ोस में लोग है कि नहीं, देखना बैठ कर इधर उधर बात करते हो, कभी कभी आप उनको घर में चलते हो, रोज रोज सात दिन में सात घर में जाओ, सुना इधर सात दिन में सात घर अलग अलग जाओ, जाकर के उन घर में बैठो, बच्चों को पत्नी को बुलाओ, बुलवा करके उनसे बोलो भगो आप जो कथा सुने हो जीवन कितना दुर्लभ था, थोड़ी बहुत तो सुनते सुनते तो ज्ञान हो गया ना। अजीब अपने घर में एक दिन घुसाऊंगा, अगले दिन घुसाने के भी नहीं, अपने घर में एक दिन घुसाऊंगा, अगले दिन दरवाजा बंद कर देंगे, हमारे ना वहां चले जाओ। ऐसे ऐसे बैठे ये देखो, देखो सौ में तो एक तो सौ व्यक्तियों में देखो जगत में सबके सब दुखी, कोई संसार में सुखी नहीं, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, सब दुखी दुखी है संसार में। उसको पूछना कोई भी बोलेगा नहीं हम संसार में सुखी है, उसको फिर शुरू करना देखो फिर सुख मिलेगा कैसे, बोले भगवान की भक्ति से सुख मिलेगा। फिर तुमको उदाहरण करना पड़ेगा, एक दो सुंदर सुंदर स्टोरी सुनाना पड़ेगा, भगवान की स्टोरी सुनाओगे, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कथा सुनाओगे, बोले भगवान को पहले तो भोग लगा कर खाओ बगैर प्याज लहसुन के, प्याज क्या लहसुन में तो बहुत कथा सुनाया, बहुत आपको याद होगा। हाँ ये सब कथा सुनाना, बोले पहले भोग लगाओ, अभी सारा दुनिया में बच्चे बात नहीं सुनते, बोले घर में एक गुंडा होता था पूरा गांव, अभी घर घर में गुंडे हो गए, घर घर में गुंडे हो गए सब घर, इसलिए कोई बात नहीं, यहीं से उनको धीरे धीरे देना मिट्टी मिट्टी करके उनको बात सुनाना पड़ेगा, समझ रहे ना। हाँ ऐसे नहीं भैया, पक्के चले होनी चाहिए, कच्चा चले नहीं, पक्के चले होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करो और इसी बड़े समय देखते धीरे 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 कथा सुनाने के लिए, ठीक है ना। और भगवान तो जय जय गोपाल जय जय गोपाल दुनिया की बात कर ही नहीं रहे हो, ठाकुर की बात कर, भगवान की बात कर दिया ना, ठीक है। ऐसे करो पूरा भरो कृष्ण भक्ति रस में दुनिया, बड़ो इसका नाम बड़ो देना, बड़ो सबसे बड़ा, बड़ो मतलब सबसे सबसे बड़े बड़ी, इसलिए पूरा बड़ो सचमुच से सबसे बड़ा बन जाए दुनिया में, ठीक है ना। बोले से वृंदावन की जय, इसलिए बोले वृंदावन के वृक्ष को मर्म में जाने को डाल डाल हर पत्ते पत्ते राधे राधे, इसलिए महाविष्णु कह रहे हैं अनंत देव को, बोले तो वृंदावन जाने के लिए चाह रहे हो भैया, ये वृंदावन धाम साधारण धाम नहीं, ब्रह्मा शंकर नारद भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, इतने वृंदावन धाम। फिर प्रश्न करते हैं, पर फिर तो ये वृंदावन धाम हमारा दर्शन होगा ही, आप इतने दुर्लभ कह रहे हो, जहाँ महाविष्णु कान दुगसाई विष्णु गर्भ दुगसाई विष्णु खिराब दिशाई विष्णु, जहाँ पर शंकर भी प्रवेश नहीं कर पाए, हम कहाँ प्रवेश करें, फिर तो हमारे हो ही नहीं पाए। फिर महाविष्णु कहते हैं हाँ हो सकती है, बोले एक उपाय, बोले कौन सा उपाय है, बोले जब तक ब्रज गोपियों की अनुगतन नहीं, कहते वैद्य भक्ति से भगवान नहीं मिलेंगे, वैद्य भक्ति से तुमको वैकुंठ तक प्राप्ति होगी, उसका आगे नहीं जा सकता,
वैदिक मत मतलब जो भगवान को ईश्वर मान करके पूजा करते हैं। अब बोले कैसे, बोले राग भक्ति, और राग भक्ति में भी कि गोपियों की अनुगत, राग मतलब स्वाभाविक रूप में कृष्ण हमारे दोस्त है, हैं कृष्ण हमारे फ्रेंड दोस्त लगते हैं, जैसे कृष्ण प्रियतम, जैसे कृष्ण हमारे लाला लगते हैं, स्वाभाविक रूप में जिसको रागमय भक्ति बताए, राग मतलब स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति जो अनुराग है, यदि गोपियों की अनुगत्य के बगैर हैं, इसलिए भक्ति करोगे तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेगी, इसलिए गोपियों की अनुगत्य करना पड़ेगा। बोले भैया ये गोपियों की अनुगत्य भी दुर्लभ है, ये भी बड़ा, शंकर जब स्वयं गोपी रूप धारण किए हैं, शंकर जैसे व्यक्ति वो स्वयं गोपी भी बने लेकिन अंदर में प्रवेश नहीं पाए। बोले ऊपर से तुमने गोपी रूप लिया लेकिन हृदय में तुम्हारी गोपी भाव नहीं, जब भैया उनको जो प्रवेश नहीं मिला हम कौन सा, फिर हम कहां से प्रवेश कर पाए हैं। जब ये बात बता, बोले और कोई उपाय नहीं, बोले हाँ एक उपाय, ध्यान देकर सुनो, कहते एक उपाय है, अभी कलयुग में वही कृष्ण ही श्री नवद्वीप धाम में श्री सच्चिदानंद गौरहरि बनकर आए, श्रीमान महाप्रभु का रूप में आए। बोले क्यों आए, उसी ब्रज प्रेम को देने के लिए अभी श्री नवद्वीप धाम में स्वयं कृष्ण आए। अगर एक बार कोई श्री नवद्वीप धाम जाए वैष्णव का अनुगत्य में, इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं गौरामार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरि वामी प्रणय भक्त संगे, शोध भक्त चरण रेणु गजानो होगा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गौर अमार जैसव स्थाने करल भ्रमण रंगे, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लीला की, अगर कोई वैष्णव का अनुगत्य में, संतों के अनुगत्य में, प्रेमयी प्रेममयी भक्तों को साथ में कोई जाए, वो धाम को परिक्रमा करे, वहाँ कथा सुने, वहाँ पर बैठे, वहाँ का धूल शरीर में लगाए, एक बार नवद्वीप धाम में जाए हैं, जैसे शंकर जी कहते पार्वती पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, कोई करोड़ों करोड़ों बार कोई सारे तीर्थ में चले जाए, लेकिन पार्वती एक बार नवद्वीप धाम में महाप्रभु को धाम में एक बार जाए ना, उससे करोड़ गुण ज्यादा पुण्य मिलेगा जो नवद्वीप धाम में जाएगा, और उसको सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जब उन्होंने कृष्ण की गोवत्स को हरण किया है, हैं? जब गोवत्स को हरण किया उसको पता चला ये भगवान है, उन्होंने देखा भैया मेरे अपराध कैसे माफ होगा, कृष्ण तो माफ नहीं किया, तीर से नहीं किया, उन्होंने देखा यही कृष्ण कलयुग में श्री महाप्रभु रूप में नवद्वीप में आएंगे, जब नवद्वीप में महाप्रभु आएंगे बड़े दयालु बड़े कृपालु बनेंगे, वो देखेंगे नहीं को ये कौन पहले क्या अपराध किया नहीं किया, बोले जे आगे पढ़े तारे करे निस्तार, जो एक बार आकर उनको सामने गिर जाए केवल एक बार प्रणाम कर ले बस सारे अपराध माफ कर दे, सारे अपराध को माफ कर दे। इंद्र भी देखा ऐसे, इंद्र जो बारिश बरसाया सात दिन तक, पता चला ये मेरे प्रभु है, माफी मांगे लेकिन हृदय से कृष्ण माफ नहीं किए, फिर उन्होंने देखा फिर नवद्वीप धाम में कहीं आएंगे, उन्होंने नवद्वीप धाम में तपस्या उन्होंने की है, गो ध्रुव, गो ध्रुव एक स्थान, गो मतलब गया, ध्रुव मतलब वृक्ष, बट वृक्ष को नीचे बैठी करके स्वयं इंद्र कठोर तपस्या की, फिर उन्होंने गौरव चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया, महाप्रभु हृदय की बात उनको बताया, बोले यहीं पर मैं श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में जन्म ले करके विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम में बाढ़ में बहाऊंगा हैं, इसलिए वहीं पर उन्होंने जन्म ग्रहण किया। इसलिए नवद्वीप धाम में एक बार कोई जाए ना, जितने पाप हमारी है, जितने हमारी पाप जितने अपराध है, नवद्वीप धाम में जाने पर सारे अपराध हमारी माफ हो जाते हैं, और महाप्रभु सब पर दया करते हैं। क्यों, ये धाम और महाप्रभु में कोई फर्क नहीं, धाम और महाप्रभु एक ही चीज है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि श्री मन नित्यानंद प्रभु की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। इसलिए
कि शंकर जी पार्वती को ये बात कह रहे हैं हैं और श्री नारद गौतम को कह रही है, दो तीन संवाद ये, और महाविष्णु कह रहे हैं श्री अनंतदेव की, तीन संवाद है ये, तीन संवाद ये बात को अनंत संहिता ग्रंथ में ये बात को बताया। इसलिए जब उन्होंने श्री नवद्वीप धाम की महिमा बताई, देखो फिर पार्वती प्रश्न करती, ये सब पता भी याद कर लो पूरा, जैसे अगली बार तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर शंकर जी बोले बड़ी प्यारी कथा सुनाए शंकर जी है, बोले पार्वती बोले एक समय जो कृष्ण ठीक एक समय आने पर कहीं चले जाते थे और राधा रानी को बोलते नहीं, और जब जब वो वहां से घूम करके आते हैं ना, राधा रानी देखती हैं इनका जो मन था चंचल है, मन चंचल है। अगर कोई पत्नी देखे पति, अगर पति कहीं जाएगा पत्नी को बोल कर जाएगा, देखो हम उस स्थान में जा रहा हूँ कुछ काम करके आ जाता, लेकिन अगर पति पत्नी से छुपा करके कोई एक समय पर चले जाए और वहां से आए, इनका मन उदास और कोई मन भटकता हुआ देखे, पत्नी के मन में क्या भावना है, भैया ताल में कोई ताला तो नहीं है, ये ताल में कोई ताला तो नहीं है, ये बिना बोले क्यों जाते हैं, बोल कर जाओ जा रहे काम में और यही समय पर चले जाते हैं बिना बोले चुप करके। इसलिए जो कहते जो माता है ना, पति की मत को अपने आप समझ जाती है, इनकी मन को समझ जाती है। एक दिन राधा रानी के मन में कोई डाउट हो, ये लगता है कि गड़बड़ी है, ये हो ना हो और इसको तो प्रेम नहीं कर रहे, इनके मन में ये भावना है। इसलिए एक दिन राधा रानी एक सखी से बोली, बोले देखो ये कृष्ण यही समय पर कहीं चले जाते हैं और बिना बोले जब आते हैं ना, उनका मन देखता हूँ जैसे उनका मन थोड़ा चंचल है, मेरे को दाल में काला लग रहा है, एक दिन तुम थोड़ा देखोगे, बोले ठीक है। उन्होंने एक दिन उन्होंने कृष्ण को फॉलो किया, पीछे पीछे कहाँ जाते हैं और देखते देखते सचमुच से राधा रानी के मन में जो शंका ना सही निकली, देखा बड़ा सुंदर, जैसे वृंदावन धाम है ना, वहां पर भी बड़ी सुंदर धाम है, सुंदर सुंदर है वहां पर, कौन सा है वहां पर सुंदर, नवद्वीप गए कि नहीं, कौन कौन नवद्वीप गए हो, कितने हरे भरे देखे है ना, पूरा चारों तरफ में हरा भरा पेड़ एकदम, वहां पर कहीं सूखा नहीं देखोगे, पूरा वहां हरा भरा, वहां नारियल का पेड़ देखना, नारियल पेड़, कटहल का पेड़, आम का वृक्ष है वहां पर, आम के वृक्ष, कदम वृक्ष, तमाल वृक्ष, इसलिए और ब्रज में तमाल, ब्रज में कदम तमाल वृक्ष, लेकिन वहां पर आम कटहल और श्री आम के वृक्ष वहां पर देखोगे, और खेती बड़ी सुंदर, फूल फल से लदे भरे पड़े हुए देखोगे। और यहाँ पर वृंदावन में गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर कोयल मयूर किसका नाम लेते हैं, राधे 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 राधे, सबका नाम राधे राधे, लेकिन वहाँ के वृक्ष लता पता किसका नाम लेते हैं, बोले सचिनंदन गौरहरी की जय। वहाँ के सारे वृक्ष नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का नाम वहाँ सबके सब लेते हैं। इसलिए वहाँ पर देखा सुंदर लता बेनी चमेली जूही मालती केतकी सुंदर सुंदर वृक्ष वहां पर, और देखा वहां पर क्या देखा, जैसे वृंदावन में यमुना नदी बहती है वहां पर कौन सा नदी, गंगा देखा ना, गंगा कितने गंगा धार में विशाल गंगा, वहां पर नाम पार हुए कि नहीं गंगा, पिछले बार का तो बोलना भी नहीं, इसलिए बड़े सुंदर गंगा नदी बहती है और वहां पर त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती वही पर है, वहां पर पंचवेणी है, वहां पर एक साथ में पांच नदी वहां पर है, अलकानंदा है और वहां पर अलकानंदा है और वहां पर गंगा जमुना सरस्वती और एक साथ में पांच नदी वहां पर है, वहीं पर है सारे पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर विद्यमान है। और उन्होंने देखा बड़े सुंदर स्थान है, अपूर्व मनोरम स्थान है वृंदावन जैसे, और वहां पर एक सखी है जिसका नाम था विराज सखी, बड़ी सुंदर विराज सखी, कृष्ण जाते ही और वहीं पर वो विराज सखी से कृष्ण छुप कर वहीं पर मिलते हैं, ये सखी तो देख लिया, देख करके वो वापस आ गई, बोले राधे बोले राधे तुम्हारी मन में जो शंका थी ना वो शंका सही थी, बोले क्या देखा, बोले तू जो बोल रहे थे वही देखा,
वहां पर एक सुंदर सुंदर स्थान है, मथुरा जैसे वृंदावन वहां पर भी एक सुंदर स्थान, और वहां पर श्री श्याम सुंदर एक सखी जिसका नाम विरजा सखी उसको साथ में छुप कर वहीं पर मिलते हैं। और राधा रानी को सुनते ही तो पास राधा रानी गई। जब राधा रानी वहां पर गई, अभी राधा रानी को देख करके वो जो विरजा सखी थी ना उधर गई, पर भी राधा रानी को कैसे पता चल गया यहाँ पर कैसे आ गई। इतने में रात जो विरजा सखी थी ना वहां पर एक नदी होकर बह गई, पानी रूप धारण करके नदी रूप उसने बह गई। और इतने में ही जो कृष्ण झट वहां अंतर ध्यान हो गए, देख करके राधा जी को जब अंतर ध्यान हो गए, उनका नाम राधा, राधा मतलब क्या है, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक आराधना करती है। राधा मतलब है एक उदाहरण दिया, जैसे एक शीशा है, एक शीशा हो, शीशा को सामने आप खड़े हो जाओ, देखना आप जैसे सजोगे ना, शरीर को जैसे श्रृंगार करोगे, ठीक वैसे ही परछाई किस में आ जाएगी, शीशे में आ जाएगी। अपनी आप जैसे सजोगे परछाई भी वैसे सज जाएगी। इसलिए जो राधा रानी किया एक स्वच्छ दर्पण, एक शीशा है। और कृष्ण कौन है, कृष्ण के हृदय में जितने भावना है, कृष्ण के हृदय में जितने इच्छा है, वो राधा जी के अंदर में अपने आप प्रतिफलन हो जाती है। राधा रानी सब चीज को समझ जाती है, कृष्ण ये चाहते हैं, कृष्ण ये चाहते हैं, कृष्ण के मन में यही इच्छा है, कृष्ण ये खाना चाहते हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण राधा रानी के रूप में क्यों प्रकट हुई, कारण क्या है। जैसे आप हो, अभी आपको क्या अच्छा लगता है आपको तो पता ही ना, आपको नमकीन अच्छा लगता है ना, मीठा अच्छा लगता है, ये तो आपको पता ही ना, और तो किसी को पता नहीं ना। एक भी चीज आपको पता है, ये चीज हमें अच्छी लगती है, ये चीज अच्छी लगती है। उसी तरह अभी कृष्ण ही अभिन्न रूप में राधा रूप धारण किया है, इसलिए कृष्ण क्या चाहते हैं, किसमें वो संतुष्ट है, वो राधा रानी अपने आप समझ जाते हैं। कृष्ण कभी ये चाहिए, कृष्ण कभी ये चाहिए, कृष्ण ये चीज चाहती, और उनको इच्छा जान करके राधा रानी की सेवा करती है। अभी इनका नाम ही राधा, राधा मतलब होता है जो कृष्ण को विशेष रूप को जो आराधना करती है, कृष्ण की जो सेवा करती है। अभी राधा रानी को पता चला, ओ कृष्ण ये स्थान तो कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण को ये स्थान प्रिय है, मतलब कोई बात नहीं, कृष्ण की जिसमें सुख है, कृष्ण की जिस चीज में कृष्ण को सुख है, मेरा कर्तव्य उसी सुख में सुखी करना। तब से राधा रानी ने क्या की, उन्होंने अपना हृदय से ही, ये जो नवद्वीप धाम नहीं, ये राधा रानी अपना हृदय से उन्होंने नॉट कुंज बनाया, ये जो नवद्वीप धाम नहीं, ये राधा जी के हृदय से और एक एक कुंज है, राधा रानी की एक एक निकुंज श्री ये नवद्वीप धाम है। इसलिए कृष्ण जिस निकुंज में श्याम सुंदर जिसमें विहार करते हैं, इतने में राधा रानी कुंज बना करके, इतने में अब कृष्ण तो बंसुरी बजाते हैं, राधा रानी बंसी बड़ी सुंदर बंसुरी बजाई, बंसी ध्वनि सुन कर करके त्रिभुवन अपने आप द्रवीभूत होने लग गया, सारा दुनिया में बंसी ध्वनि की चमत्कारिता सारा दुनिया को मुग्ध कर दिया। जब मुग्ध किया, इतने में कृष्ण राधा जी की बंसी सुनी करके कृष्ण रह नहीं सके, इतने में श्री श्याम सुंदर वहां पर प्रकट हो गए। जब श्याम सुंदर प्रकट हुए, इतने में वहां पर ललिता विशाखा चंपक लता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा सारी सखियां थी, इतने में कृष्ण वहां प्रकट हुए। प्रकट होकर के ये सखियों ने देखा, जो राधा कृष्ण जो दो थे ना, वो धीरे 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 करते करते दोनों एक हो गए, दोनों वो एक हो गए। जब दोनों एक हो गए, इतने में सखियों ने देखा, बोले भैया ये क्या हो गया, ये तो दोनों मिल करके एक हो गए, श्री एक स्वरूप किसका, श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए। जब चैतन्य महाप्रभु बने, इतने में जितने सखियां थी ना, वो भी अपना रूप बदला दिया। तो जब ये पुरुष हो गए, हम भी पुरुष बन जाते हैं, इसलिए जो ललिता सखी, किसने, ललिता सखी ने श्री स्वरूपदावतार बन गया, जो विशाखा थी वो राय रामानंद बन गया, जो तुंग विद्या थी इसने श्री प्रबोधानंद सरस्वती, जो विलास मंजिल श्री जीव गोस्वामी, जो अनंत मंजिल श्री 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 गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो रति मंजिल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कहते जो रूप मंजिल रूप गोस्वामी, लवंग मंजिल सनातन गोस्वामी,
ये सबके सब ना वहां पर पुरुष रूप में प्रकट हो गए, जितने सखियां सबके सब पुरुष रूप में प्रकट हो गए, और पुरुष रूप में प्रकट होकर के सबके सब वहां पर कीर्तन करने लगे हैं। बोले गौरांग बलि दे हावे पुलका सही Thank you.
ठीक है बताओ नवद्वीप धाम है क्या चीज कौन बोले रहा था नवद्वीप धाम क्या है बोलो नवद्वीप धाम क्या है अभी मैंने क्या सुना है राधारानी ने अपने भाव से प्रकट किया राधारानी ने क्या की बोलो क्या किया बोलो क्या नवद्वीप धाम इसलिए नवद्वीप धाम को क्या है बोलो हे भगवान अभी मुझे इतना राधारानी ये नवद्वीप धाम नहीं राधारानी अपना नौ कुंज नौ कुंज श्री नौ कुंज श्री ये नवद्वीप धाम और पहला दिन मैंने सुनाया था ये नवद्वीप धाम जिसे नव विद्या भक्ति है श्रवणम इसलिए कभी जो ना जो भक्ति है जिसको प्रहलाद महाराज अपना पिताजी को बताए जब पिताजी ने पूछा बताओ तुमने उत्तम विद्या में सर्वश्रेष्ठ उत्तम विद्या क्या पढ़े तब श्री प्रहलाद कहते हैं तो पिताजी अगर ये नौ तरह का जो भक्ति है भगवान कथा सुनना कीर्तन करना स्मरण करना चरण की सेवा करना सख्य आत्म निवेदन दास्य जो नौ तरह का जो भक्ति जो भगवान को करते हैं कभी सबसे विद्या में ये श्रेष्ठ विद्या इसलिए नवद्वीप धाम नहीं वो एक एक जो दीप है और एक एक भक्ति की स्वरूप है इसलिए कहते हैं एक भक्ति की अगर अंग जागरण करे ठीक ठीक से केवल केवल कथा सुने परिचित केवल कथा सुन सुनकर भगवत प्राप्ति हो गया सुखदेव गोस्वामी कथा बोल बोल करके प्राप्ति हो गई प्रहलाद महाराज भगवान की स्मरण करते करते प्राप्ति कर गई है इसलिए एक एक भक्ति का अंग जागरण करते करते निष्ठा पूर्वक एक एक भक्तों ने भगवत प्राप्ति किया नवद्वीप धाम किया बोले ये सब के सब एक एक भक्ति की पीठ है वहां पर जाने पर सारे भक्ति का अंग का फल अपने आप मिल जाए केवल वहां नवद्वीप धाम जाते फल मिल जाएगी है इतना महिमा नवद्वीप और जो यहाँ पर सुन भी रहो ना यहाँ पर कुछ फल मिलेगा और जो जाएगा उनको तो दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू मिलेगी और यहाँ पर जो उनको एक हाथ में लड्डू मिलेगी और वहां पर जाएगा इधर भी लड्डू मिलेगी और वहां पर भी लड्डू दोनों हाथ में आपको दो लड्डू मिलेगा क्योंकि ये नवद्वीप धाम की सृष्टि का एक ये कारण है ठीक है आज कथा कहीं पर विश्राम कर देते आप लोग जल्दी कल से हम सुनेंगे वो जो नवद्वीप नव जो धाम है वो एक एक स्थान क्या है भक्ति का अंग कौन सा श्रवण कौन सा कीर्तन कौन सा पाद श्रवण कौन सा और वहां पर क्या क्या लीला की और वो ब्रज का अभिन्न स्थान जो ब्रज मंडल है देखो जो ब्रज उसको बताया गुप्त वृंदावन क्या बताया गुप्त वृंदावन गुप्त वृंदावन मतलब क्या देखो गुप्त रूप में वृंदावन वहीं पर जैसे आप वृंदावन धाम परिक्रमा करो वृंदावन दर्शन करो आप एक ही फल मिलेगा वृंदावन धाम नवद्वीप धाम परिक्रमा का फल नहीं मिलेगी अगर जो नवद्वीप धाम का परिक्रमा करेगा ना दो धाम की लगेगी एक तो नवद्वीप धाम परिक्रमा का फल मिल ही जाएगा उसको साथ साथ में वृंदावन धाम परिक्रमा करने का भी फल आपको प्राप्ति दोनों फल एक साथ में आपको प्राप्ति होगी जो वो नवद्वीप धाम को जो परिक्रमा करेगा इसलिए इसका बड़ी महत्व है शंकर जी के उसकी बड़ी महत्व हम कल से सुनेंगे एक एक भक्ति का कौन सा भक्ति अंग है और एक एक धाम को एक एक दिन सुनेंगे ठीक है हाँ हमारे राहुल प्रभु जी बोल रहे थे क्या 19 तारीख को माघ पूर्णिमा माघ पूर्णिमा है बोल रहे थे अगर भक्त लोगों की इच्छा हो तो कुंभ चल रहा है हम लोग कुंभ चल रहा है हरिद्वार चलो एक दिन हरिद्वार जा करके बस गंगा में गोता और गुरुदेव के अनुगत्य में गंगा में एक बार स्नान करके आए अगर आप सभी की इच्छा होगा तो बस एक दिन जाएंगे एकदम सवेरे सवेरे निकलेंगे और 150 किलोमीटर है 150 किलोमीटर है बता देंगे ना पहले सब इच्छा तो जाहिर करो आप सब हजारों तो भरो अगर आप लोग की इच्छा होगी तो चलेंगे नहीं तो नवद्वीप धाम के लिए नहीं तो अगर ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है तो पैसा नवद्वीप धाम के लिए चलो गुरुदेव तो जाएंगे गाड़ी में चल जाएंगे फिर हम तो ठीक है तो बस कर लेंगे
अगर हरिद्वार जाना आपस आपस में चर्चा कर लेना, ठीक है, चर्चा करके जैसे इच्छा होगी वैसे कर लेना, ठीक है। आप लोग जाओ अभी अपना घर का काम करो।